हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही दिन बाद नैनीताल का एंजॉय करने के बाद आ गए एक और ट्रिप के लिए। ट्रिप के लिए आ गए इधर, हमारे को भी लेना। हाँ, माउंट आबू के लिए आ गए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ से जर्नी शुरू होने वाली है। और हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं और बहुत ही जबरदस्त व्लॉग आने वाला है। तो आप लोग बने रहना अपने साथ में, पूरा एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ये हमारे कैप सर है, ठीक है। और इधर समझ रहे हो आप सर, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। और ये अपने कैप सर, इनका यूट्यूब पे चैनल है, इनको भी जाके सब्सक्राइब करो, इनको भी फीडबैक दो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, सबके साथ बने रहना, एंजॉय करते करते पहुँचते माउंट आबू और बहुत ही बेहतरीन एंजॉय करने मौके में। तो मेरी पब्लिक तो आ गई है फिर रेलवे स्टेशन पर अपने, और अपनी ट्रेन भी आ चुकी है माउंट आबू, गोहपुर माउंट आबू। देखो देखो वो आ गई है, देखो 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 ट्रेन आ गई है। लग रहा है ये ट्रेन बहुत ही बारिश में धो के आई है, बहुत ही दम से बारिश हुई है, ठीक है। ये अपनी ट्रेन है, इसी में अपने मिलते हैं, पूरा फुल इंजॉय के साथ अंदर पाँव अपने अंदर डालते हैं। मेरी खा रही था चालू ट्रेन के चालू अब आए ना लाइन पे, अभी चालू में चल रहे, ठीक है। कुछ टाइम पे ऐसा होगा कि चालू अपने पीछे चले। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लो गाइस, अभी तो कुछ भी नहीं, जिंदगी तो अभी स्टार्ट हुई है, उसमें से एक सफर और पूरा करने जा रहे हैं। तो आपके साथ में पूरी सफर की दुआ हुआ पढ़ते, फिर इंशाल्लाह एंजॉय करते कहते चलते हैं। बाय बाय अहमदाबाद। अहमदाबाद से निकल चुके अपनी ट्रेन जोधपुर के लिए, बीच में माउंट आबू आएगा अपने उतर जाएंगे, बाकी ये भाई जोधपुर जाएंगे। जोधपुर तो निकल चुके हैं एक और नई मंजिल की तरफ। कुछ कारवा मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा, कुछ अकेलापन मिलेगा, कुछ लोग मिलेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, बोलो मैं तो इसको डाल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो अहमदाबाद के साबरमती नदी ऊपर जा रही है। अरे वो गोवा में काम करता है पता है। हाँ साले, दोस्तों पहुंच चुके माउंट आबू अपने, यहाँ पे चाय पीने के लिए आए। आई जोंग मित्र मंडलियों, सेंग सर का स्वागत करो। तो आगे है माउंट आबू, एक और न्यूज इधर साइड। अभी थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, मुँह हाथ धुल के चाय वाय पीते, फिर इंशाल्लाह जबरदस्त बातचीत करते। अभी रबड़ी तो मिली नहीं, चाय से काम चलाते हैं चाय वाले भाई। बाकी यहाँ का कल्चर पूरा गांव जैसा है दोस्तों। यहाँ आके गांव की याद आ गई। रबड़ी खाने आ गए आप लोगों की डिमांड पे। आइए रबड़ी के बारे में, क्या हुआ रबड़ी के बारे में। हमारे बच्चे छोटे छोटे, थोड़े बड़े हो जाए फिर बता दीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सही सबकी डिमांड पे आबू की पहचान। ले पकड़ तुम मेरा रिकॉर्ड कर।
सही है। कट कर देना भाई। ऐसी एकदम जबरदस्त क्या हो गया गाड़ी आया लो लो सर वीडियो बना रहे अरे मेरे सर फिर बताए नहीं कैसी है रबड़ी अच्छी अच्छी बोल रहे यू यू होटल है अभी 5 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन होटल है, सब कुछ बताऊंगा, बस बने रहना, अभी साथ में बने रहो, इंशाल्लाह मिलते थोड़ी देर में। जैसे अपने अहमदाबाद में ठंडी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही गजब ठंडी है, तो जो भी आना जैकेट वॉकेट लेके आना, बाकी तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही गजब एकदम झक्कास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम है, इंशाल्लाह बने रहना। ये शाम का बता रहे थे तो डायरेक्ट शाम को चालू करवाएगा, सन रूफ दिखाएंगे गजब। क्या कहना क्या चाहते हो? और जैसे अपने अहमदाबाद में ठंडी